अब देखो यहाँ आ रही है हवा, वहाँ नहीं आ रही है अभी। और दोस्तों क्या हाल चाल, समझते है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी छेला पूरा सेट हो गया है, कल रात को ही मार्केट से आया, बाजार गया था। और कल ना, मतलब कल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी तो सोमवार है मान लो, और कल ना बहुत मज़ा आया। और इधर के चक्का में उधर करवा दिया था, लेकिन जब चक्का इसमें लगवा रहे थे ना तो 50 पॉइंट ही हवा भरवाया था, बल्कि इसमें 60 या 65 होनी चाहिए। वो भैया बोले अभी ले जाओ, इतना ही ज़्यादा वजन तो रखना नहीं है तुमको। तो मतलब ठीक है भैया, अगर कम मेरे को लगेगा तो आगे भरवा लेना। मतलब ठीक है, ये देखो हल्का सा इसमें हवा और होती ना तो और सही रहता। तो शाम को सामान ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद भरवा लेऊंगा। अभी चलते हैं दुकान लेके, सोमवार है, 12 बज गए हैं, लेकिन दुकान ले आया हूँ दोस्तों। और धूप बहुत तेज़ है, अभी सेट कर लूँ फिर तिरपाल बांधता हूँ। और आज सोमवार है, और मैंने ना आर राजेश ब्लॉग जो अंकल हैं, ट्रक वाले अंकल जी हैं, उनका ब्लॉग देखा था। वो अंबिकापुर में है, मतलब अंबिकापुर यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है। और कल मैंने कल वाला ब्लॉग देखा था, तो वो कहीं से जमशेदपुर टाटा शायद निकले थे। तो वो अभी जो 10 बजे वाला ब्लॉग देखा आज वाला, वो ना पत्थरगांव में कहीं रुके थे। आप लोग तो देखते ही होंगे भाई, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, है ना, और 1 मिलियन उनके होने भी वाले हैं। तो अभी वो करंटली इस टाइम पे वो अंबिकापुर में होंगे, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, वरना मैं उनका ब्लॉग अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो मेरे को पता चला वो पत्थरगांव में रुके थे कल, मतलब परसों वाले ब्लॉग में। तो इसका मतलब वो अभी अंबिकापुर में होंगे। अगर मैं दुकान बंद करके खोजता कहीं भी अंबिकापुर मान लो, तो भाई मिल सकते थे यार, लेकिन मैं यहाँ फुल्की बेच रहा हूँ। बताओ, बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी था मान लो मेरे लिए, एक यहाँ आधा किलोमीटर आए और यहाँ मैं उनसे मिल नहीं पाया। ठीक है, भगवान ने चाहा तो मिलेंगे जरूर भाई। बहुत सारे ब्लॉग आप लोग देखते होंगे, उनके कमेंट भी किया था एक भाई साहब ने मुझे कि आर राजेश ब्लॉग ट्रक ड्राइवर अंकल जी आपके अंबिकापुर में आ रहे हैं, परसों कमेंट किया था। फिर मैं ब्लॉग देखा तो मैं बोला अभी तो निकले नहीं है, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, प्यार सपोर्ट बना रहेगा आपका, तो मिलते रहेंगे हम लोग, मिलूँगा कभी ना कभी मैं भी भाई। चलो बांध ले इसको फटाक से। तो तिरपाल बांधने के बाद भाई डेढ़ पन्नी क्या, मतलब दो, हाँ दो पन्नी और ढाई पन्नी के आसपास निकल गई है, ढाई पन्नी के आसपास निकल गई। चार्ट में बिक्री कम है, क्योंकि ना देखो इतनी ज़्यादा धूप है, उसी के चक्कर में। अगर ये बारिश हो जाना अभी, मतलब एक घंटा बारिश हो जाना है, आधा घंटा भी, तो उसके बाद जो मौसम खुलेगा उसमें ना चार्ट की बिक्री हो जाएगी। देखते हैं जैसा भी हो, सोमवार है उसके हिसाब से तो बिक्री ठीक है, लेकिन ना लोग पानी पूरी खा रहे हैं, चाट नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों सोमवार को ना ऐसा ही होता है। अब देखो इतनी बची है, एक पन्नी थी वो भी निकल गई, जो यहाँ पे रखी हुई थी सिर्फ वही बची है, लेकिन ना चाट आज बच जाएगी थोड़ी सी, मतलब निकाल दूंगा। जैसे कि ये मसाला है ना, इसी में ना मटर को डाल दूंगा और टिकिया डाल दूंगा। तो ऐसे ही ना कभी कभी जब चाट की बिक्री नहीं होती तो ऐसे ही ख़त्म होता है। अभी 4:30 बजे हैं, अभी स्कूल की छुट्टी होनी बाकी है, सोमवार है भाई आज, बिक्री तो ठीक ठाक होती है 4:30 बजे, मतलब अगर बिक्री अभी कंटिन्यू होगी तो 5 बजे तक 5:15 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और दिन ना हल्का सा छोटा होने लगा है थोड़ा सा, पहले 6:30 बजे के आसपास तक अंधेरा होता था, अभी 6:15 बजे के आसपास अंधेरा होने लगा। तो शाम के 5 बजने वाले हैं, फुल्की तो ख़त्म हो गई भाई, अब चाट बनाना हूँ। एक 5-6 टिकिया थी, और ऊपर में जो टिकिया आलू बचा हुआ था थाली में, वो उसको मसाला बना ख़त्म कर दिया। चाट 120 रुपये किलो टमाटर के साथ। तो चाट का रेट वही भैया, ख़त्म तो हो गया है यार, ख़त्म तो हो गया है। चाट बनेगा लेकिन फुल्की ख़त्म हो गया है। ऑफर लगा दो रिंकू भैया, पता है कहेगा चाट यहाँ पे टमाटर के साथ चाट दिया जाता है, पक्का है चाट दिया जाता है। पता है मेरे को किसको पकड़ खाना, पूरा बात सुना ही नहीं तू, दंदन दंदन रेंग दिया। अरे टिकिया पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं। हां टिकिया टिकिया पुलिस वाले बंद हो गया ना घर में, बोला सब दही डाल दो, दही 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 बना दूं भाई, जैसा बनाता वैसा बनाना, बनाना भूल गया था। हां 6 महीने में एक बार आना है, और सुनो ना वहां गुस्सा यहां मेरे पास मत उतारना ना भैया के साथ। थाना पुलिस वहां करके आया है, सामने में पुलिस स्टेशन गया था। अभी ये मिर्ची भी डाल दूं सब भाई साहब, इसे डालता है। अब ये नहीं कि अब मैं बोल दिया हूँ तो उसका गुस्सा धूल उसमें उतार, नहीं 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 मिर्ची डाली। आप चाट खाएंगे? नहीं बनाया अभी तक सूखा वाला। चाट तो बना दिया हूँ, सूख जाएगा ना, धूप बहुत ज़्यादा है। चाट चाट का रेट सुन ले, 120 रुपये 120 रुपये किलो टमाटर का चाट। मुझे बताने वाला है ना। ठीक है, खट्टा ज़्यादा खट्टे डाला नहीं उसमें, नमक डालो डालो नमक और
कम है ना, एकदम ठंडा है, देख रहे हो, बोला ठंडा है, इसको चिल्ला रहे थे हम लोग, मत जा, बनवा लिया, उसके बाद थाना चला गया पुलिस स्टेशन, बोलता है मैं आ रहा हूँ ना दो मिनट, किसी को मारने गया था, और वहाँ गुस्सा यहाँ उतार रहा है। दोस्तों आज बहुत तेज धूप भी थी और बारिश नहीं हुई आज, हो सकता है रात को बारिश हो। रिंकू भैया भी आ गए, कहाँ गए थे ना, ये वाला सुनिए ना, ये वाला मेरे को भी जुगाड़ करवा दीजिएगा ना, आप बनवाए हैं घर में कि खरीदे हैं, खरीदे होंगे तो मैं भी लेना चाहूंगा, और कहीं बनवाए हैं तो मैं भी बनवाना चाहूंगा, आप घर में भाभी कहाँ से बनवाए तो उनके हाथ से मैं भी बनवाना चाहूंगा, जो भी पैसों को मैं देना चाहूंगा। सभी में ना है, सड़क किनारे वाला कहीं भी रोड में बेचाते रहता है, तो ये वैसे रायपुर में इसी घूमते फिरते मिल गया। अच्छा रायपुर जाना पड़ेगा यार, अंबिकापुर में भी लगाया था, पूरा बादल देखो काला हो गया है, बहुत ही अच्छा। कहाँ जा रहे हैं साइकिल से आप? अब शाम का जॉगिंग टाइप का, इसलिए तो बाइक को घुसा के मोड़ मार के रख दिए, रख दिए और साइकिल से घूमेंगे, उसके बाद सामान वगैरह सब कुछ लाना है, चलिए घुमाइए थोड़ा सा। अरे बाप रे, ना यार ये तो मैं बैठो नहीं पा रहा हूँ, वो वाला फील चाहिए ना मेरे को, जो उसमें लेता हूँ डुडुक 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 को नहीं डुडुक को ना, मोटरसाइकिल दोस्तों मोटरसाइकिल मेरा नया वाला मोटरसाइकिल गुरु जी लगे थे, तो वहीं जा रहा हूँ, वहीं डुडुक को बैठा लूँगा, थोड़ा सा घुमा के ले आऊँगा, अपने भाई की ठेला की तरफ ले जाऊँगा अभी थोड़ा सा। ये हटा ले तो, मैं सोचा ना कि बाइक हटा नहीं पाएंगे, मैं इनको बिना बोले ही, तो दोस्तों अभी बजा रहा था और राहुल मिल गया मेरे को अभी, तो राहुल डुडू को दो डेरी मिल गिफ्ट किया, बोलता लो बेटा मेरी तरफ से ले खाएगी, ले ये फेंक देगी ना, चलिए घर चलते हैं अब, कल खाना चौपाटी से नहीं खाना है। दोस्तों अभी मैं घर आ गया हूँ, डुडू को लेके घुमा के आ गया था और सब काम कर लिए, अभी खाना बन रहा है भाई, आज सब्जी बनी है, ये देखो शशि सब्जी निकाल रही है, और ये छोटी वाली गुल्ली गुल्ली देखो रोटी में घी लगा रही है, और बड़ी वाली गुल्ली गुल्ली सब्जी निकाल रही है, ठीक लगे रहो। ए मेरी मम्मी बोल रही है मैं कोफ्ता खाऊंगी, मस्त इसको कूलर घुमा दिए, और डुडू देखो वहाँ पे मोबाइल में गाना सुन रही है अभी, हेलो ठीक आई हवा, हवा आई हवा, अब देखो यहाँ आ रही है हवा, वहाँ नहीं आ रही है अभी, ये देखो ये तो नंबर में बैठ गए भाई और मेरी मम्मी भी बैठ गई खाना खाने के लिए नंबर में, अभी भाई यहीं भी बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए, चलो ला दो दे दो, प्याज काट ले थोड़े से प्याज प्याज। तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं सब लोग, और दिन भर काम करने के बाद जो रात को खाना खाने का सुकून है ना वो ज़बरदस्त आता है, ऐसा लगता है मतलब हाँ भाई काम सफल हो गया, कभी रोटी रखा था, मेरे घी लगी हुई रोटी है, और ये चावल खाऊंगा थोड़े से, और सब्जी बनी थी अभी आज, वही कचौड़ी थी, कचौड़ी आप लोग जानते होंगे, तो सब लोग बैठ के यहीं पे खाना खा रहे हैं, खाना है तो चलिए दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, और भाई साहब बस अब बस सोना है, लेकिन ना अभी डुडू और डुडू की मम्मी नहीं सॉरी अनिल की वाह घर वाली मतलब बहू और डुडू की मम्मी एक बर्तन धो रहे हैं, तो मैं डुडू को भी खिला रहा हूँ, वरना ये भी जाके सो जाएगी अभी थोड़ी देर में, सो जा बेटा सो जा। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ बन के लाइक, बाय बोल दे बेटा, बाय बोल दे बाय बाय। ओए बच्चे डुडू ना अपनी मम्मी को दिख रही है अभी, हाँ ले मम्मी आ गई।